जैसे क्रिकेट में टू क्वार्टर में तीन क्वार्टर इस पहले जगह में तीन क्वार्टर तो पहले ना एक ही बना और एक ही दो क्वार्टर ये हमारा केस है डीकेडी फोर फर्स्ट प्लेयर का। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त ठीक हो गया। ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी फ्रंट है, इस बोर्ड है और इसके साथ इसके एंटीनास भी आते हैं साथ में। इंटेल का i5 12600K अनलॉक, ठीक आप इसको जो है ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक और ये इसकी जो है ना फोर्थ मॉडल है इंटेल का 12 जनरेशन में i5 में। ठीक हो गया, काफ़ी जो है ना ये जो है लोग पसंद करते हैं इस चिप को। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। इसकी रैम चल रही है अंदर, क्या प्रेशर हुआ भैया? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का भाई। आज हमारे लिए क्या स्पेशल, आज क्या बिल्ड कर रहे हैं? आज हमारे पास इंटेल की 12600K i5 जी जी कंप्लीट बिल्ड है। ये हमारे कस्टमर हैं मुल्तान से, उनके लिए बिल्ड तैयार हो रही है। ठीक हो गया, और ये उन्होंने शिप करानी है। ठीक हो गया, तो उनकी ये जो है कंप्लीट बिल्ड तैयार करेंगे आज, आपको दिखाते हैं सारी कि क्या कौन कौन से स्पेक्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, और जी। इसकी तमाम डिटेल्स जो है ना वो आपसे शेयर करेंगे, और हसन भाई जो है वो आपको सब कुछ जो है ना जो कंप्लीट स्पेक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो सारे इंशाल्लाह वो भी सारे ऐड कर देंगे जी। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं, कहाँ से भी हम किस चीज़ की पहले अनबॉक्सिंग होने वाली है? सबसे पहले हम केस की करेंगे। ठीक हो गया, बाद में जो है बारी बारी सब चीज़ों की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं जी जी, और फिर इनको जो है एक साथ बिल्ड करते हैं। ठीक हो गया सर, चलें स्टार्ट करेंगे। इसके मॉडल बता दें थोड़ा सा, ये जो केस है ये जो है फर्स्ट प्लेयर का DKT4 केस है जी। इसमें जो है 4 RGB फैन आते हैं, 3 फ्रंट पे हैं, 1 बैक पे, और ये मैश के साथ होता है। ठीक, मतलब कि आपका कूलिंग सिस्टम जो है ना वो इसमें ठीक रहता है, और साथ में टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है ये। ठीक हो गया, और अच्छा केस है, मतलब आप आराम से इसमें फुल ATX का जो है ना वो बोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ओके सर, ये हमारा केस है DKT4 फर्स्ट प्लेयर का। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त ठीक हो गया। ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी फ्रंट है, अच्छा अब इसके बाद क्या होने वाला है? अब जो है हमारा जो है वो मदरबोर्ड आता है। ठीक हो गया, ठीक है, अब ये हमारा जो है ASUS का Z690 Prime जो है Wi-Fi D4, ये वाईफाई के साथ आता है, ये वाईफाई वाला बोर्ड है, और ये आपका फुल ATX में आता है। ठीक हो गया जी, और ये ASUS के अंदर जो है आता है। ठीक है, ठीक, और सिंक विंडोज 11 रेडी के साथ है ये। ठीक हो गया, ये बोर्ड है ये, ज़बरदस्त ठीक है, ये फुल ATX बोर्ड है, और इसके साथ इसके एंटीनास भी आते हैं साथ में। ठीक, एंटीनास ये एंटीनास है। ठीक, ये बोर्ड है सिल्वर कलर में, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ जो है ना ये बोर्ड है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है यार। उसके बाद ये हमारा प्रोसेसर आता है इंटेल का i5 12600K अनलॉक, ठीक आप इसको जो है ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक, और ये इसकी जो है ना फोर्थ मॉडल है इंटेल का 12 जनरेशन में i5 में। ठीक हो गया, काफ़ी जो है ना ये जो है लोग पसंद करते हैं इस चिप को। ठीक हो गया, चलें ठीक है जी, अब अनबॉक्सिंग करेंगे हम प्रोसेसर की जी। जी, ये इसकी सील थी, ये ब्रेक हो गई है, और ये देखो ये न्यू चिप है। ठीक है, जबरदस्त आपकी आती है, और ये साथ में जो है ना 3 ईयर्स ऑफिशियल वारंटी के साथ है लोकल। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ये आप 3 ईयर लोकल देंगे या ऑफिशियल वारंटी? ये ऑफिशियल लोकल वारंटी है, ऑफिशियल लोकल जी, जो कि यहीं से आपको क्लेम होगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ठीक है, ये हम इसको बोर्ड में लगाते हैं जी।
ये रखा जी प्रोसेसर जी। और ये बंद किया और ये हमारा प्रोसेसर लग गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद हमारी रैम्स आती हैं Corsair की Vengeance RGB Pro SL, ये 3600 MHz की रैम है जी, जो 2x8 जो है DDR4 जो है ये बोर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियो में भी ये रैम दिखाई थी जी जी, ये वही रैम है, ये Corsair की जो है ना, ये बहुत अच्छी जो है ना रैम है, ये इनकी हॉट आइटम है जो कि Corsair जो है 3600 जो है MHz में देती है, ठीक हो गया। ठीक है, ये भी आपको वारंटी के साथ मिलेगी, लोकल वारंटी के साथ। ये कितनी वारंटी इसकी जी? ये आपको 1 ईयर की लोकल वारंटी, 1 ईयर जी। ये ग्रे का नहीं है, ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ना वो सामान है, जो कि कुछ लोग जो है ना वो ग्रे में लाते हैं और बाद में उसकी जो है ना इंटरनेशनल वारंटी होती है, लेकिन उसको लोकल क्या है ना सस्ती प्राइस में बेचते होते हैं, ठीक हो गई जी। ये लेकिन ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर की। ओके सर, ओके। ये रैम है, ठीक है, न्यू रैम है, लुक वाइज ये अच्छी है, ठीक है, लेकिन कल को अगर बड़ा मदरबोर्ड लगाना है तो फिर बहुत अच्छी है। ये दोनों रैम लग गई हैं, रैम लग गई हैं, जबरदस्त है सर। उसके बाद अब हमारी जो है वो M2 रह गई है। अच्छा, ये हमारी क्लिफ की M2 है, ये जो है ये 980 जो है ना उसके जो है परफॉर्मेंस के इक्वल आती है, ठीक है, ठीक हो गया जी। ये भी आपको जो है ना न्यू विद 1 to 2 years इसकी लोकल वारंटी है जी, बाकी जो होती है 3 years इंटरनेशनल, लेकिन ये आपको लोकल वारंटी जो है वो मिल जाएगी इसकी, ठीक, और काफ़ी अच्छी जो है इसकी परफॉर्मेंस रहती है, ठीक। ये जो है इसकी सील है, ये M2 है, ये ज़बरदस्त 256 GB की क्लिफ की। ये चीज़ चेक करवा देते हैं, ये देखें जी 256 GB है जी। ये जी M2 लग चुकी है अभी। उसके बाद इसका जो है वो हीट सिंक लगा देंगे। अच्छा, ये हीट सिंक इसके ऊपर अब लगाना है हमें M2 के ऊपर। आपके M2 लग गए, ठीक है। ये जी M2 की हीट सिंक वगैरह सब कुछ लग गया है, आपका प्रोसेसर लग गया है, प्रोसेसर हमारी रैम्स लग गई हैं, हमारी M2 लग गई है, M2 भी लग गई है। इसके बाद अब क्या? अब इसके बाद जो है हम इसको जो है ना हम केस के अंदर फिट करेंगे, ठीक हो गई। अच्छा जी, ये इसका टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास है ये वाला जी। केस जो है ना ये 3.0 USB के साथ आता है, ठीक हो गया। ये 3.2 USB, ये देखें, ये इसकी पोर्ट है साथ में, जी। तो भाई अभी हम
पावर सप्लाई अनबॉक्सिंग करेंगे जी। जी जी, ये पावर सप्लाई है ज़ालमन की, जो कि वेल नोन ब्रांड है। अपनी कूलिंग सिस्टम्स को जो है ये बहुत अच्छी, इसके जो कूलिंग आते हैं, फैंस आते हैं, इनके कूलर्स आते हैं, उसकी ये सप्लाई है ज़ालमन की। ये 80 प्लस में है, मेगा मैक्स 700 वाट। ठीक है, ये आप देख लें, ये 80 प्लस में है, और साथ में ये एनवीडिया SLI रेडी सप्लाई है, ये इसकी लगी हुई है। ठीक हो गया, और साथ में ये जो है ये RTX 3080 जो है वो उसको आराम से जो है ये सपोर्ट करती है। ठीक हो गया, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये भी न्यू है, 1 ईयर वारंटी के साथ आती है। अच्छा, 1 ईयर वारंटी की। ठीक हो गया, इसकी पावर केबल्स हैं बॉक्स ऑन टेंट में। इसके पावर केबल बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये दो पावर केबल्स देते हैं आपको। अच्छा, दो देते हैं जी, एक 3 पिन वाली है और एक डबल टू पिन वाली है। ठीक हो गया, ये इनकी सील लगी हुई है वारंटी की जी। ठीक है, ठीक है, ये सप्लाई है। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त हो गया सर। भाई अभी क्या लगाने वाले हैं? अब हम जो है इसमें ये कूलर लगाएंगे। ठीक हो गया, जो जिनकी बिल्ड है उनका बजट थोड़ा था, इसलिए हमने जो है ये कूलर चूज़ किया। लेकिन आपके बजट के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसका अगर 20K तक बजट है तो मुख्तलिफ उसके अंदर ऑप्शन आ जाती हैं, MSI के आ जाते हैं, और काफ़ी ब्रांड्स आ जाते हैं, डीप कूल के आ जाते हैं। लेकिन भाई का बजट थोड़ा था, इसलिए उनकी जो है ना बजट के अंदर हमें जो है वो ये कूलर लगाना पड़ा। ठीक, तो ये है थंडर का मिस्ट्रल 240 जो है, ये भी एक नॉर्मल सा कूलर है, एक हाई एंड कूलर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा कूलर है। आपको बिल्ड पे आपके टाइम्स को अच्छे कंट्रोल कर सकता है, आप विदाउट ओवरक्लॉकिंग जो है इसको आराम से चला सकते हैं अपनी 600 के। ठीक हो गया, इसकी ब्रैकेट्स वगैरह। ठीक हो गया, इसका यूज़र मैनुअल है। ओके ओके सर, और ये आपके आगे पूरा कूलर, ये आएगा जिसका कूलर जी, ज़बरदस्त हो गया, ये आपका कूलर है। ठीक है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको। ठीक हो गया, तो भाई इसके बार बार आपने ये देखिए, आप न्यू लुक चेक करें, अब इसकी वायर मैनेजमेंट हो गई है, वो भी निकालो जो लास्ट आपको दिखाई थी, और अब ये देखें टोटली चेंज है जी, और अब ये खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी फ्रंट लुक भी देखने आ गए, ये फ्रंट लुक है। अब इसको सारा बंद करने के बाद इसके जो है वो GPU के लिए हमने निकाल दिया वायर्स। ठीक, जो GPU लगेगा ना, ये 8 पिन है। ठीक है, ठीक, 8 पिन यहाँ लग जाएगा भैया। ये देख लें आप, माशाल्लाह सिस्टम हो गया है, सारा बिल्ड हो गया। ठीक हो गया, अब इसको ऑन करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। इसकी रैम्स चल रही हैं अंदर, क्या प्रेशर? अब ये लाइट्स जो है ना, ये जैसे डिस्प्ले आ जाएगा ना, ये इसके फैंस चल ऑन हो जाएंगे। ये देखें, ज़बरदस्त हो गया, उधर डिस्प्ले आ गया और इधर ये लाइट्स ऑन हो गई इसकी। ठीक हो गया, ये आपका जो है डिस्प्ले भी दिखा रहा है। ये क्रोले फैन है, ये फैन है ऊपर, ये इसका कूलर है, ये इसका रेडिएटर लगा हुआ है। ठीक हो गया, और सॉरी इसका पंप लगा हुआ है जी, ये इसकी रैम्स लगी हुई है। ठीक है, Corsair Vengeance Pro, ये फैन है इसका जी, और सामने इसके तीन फैन हैं जी फ्रंट पे, और ये इसकी ये डिस्प्ले आ गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह कंप्लीट बिल्ड जो है हमारी Asus की Z690 के साथ 11600 के i5 के साथ जो है हमारी कंप्लीट बिल्ड है, वो रेडी हो गया। ठीक हो गया,
तो इसकी प्राइस वगैरह कुछ बता दें आप जी। ये जो टोटल बिल्ड है ना, ये जिसमें आपका Z690 लगा हुआ है, i5-11600K लगा हुआ है, आपकी 256 GB की इसमें M2 SSD लगी हुई है, और आपका इसमें फर्स्ट प्लेयर का DKD4 जो है विद 4 RGB फैंस के साथ है जी। ये और ज़ालमन की 700W जो इसमें PSU है जी, ये कम्प्लीट बिल्ड जो है ये 168K जो है ये कॉस्ट हुई है, ठीक हो गया। इसकी जो कॉस्टिंग है वो 168K जो है ना, ये कंप्लीट बिल्ड किया विदाउट GPU। विदाउट GPU में आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, आप इसमें RTX 3060 3050 जो भी आपको रिक्वायर कार्ड हो वो आपको अरेंज करा देंगे और वो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। ज़बरदस्त जी हसन भाई, ठीक हो गया जी। ये माशाल्लाह हमारी कंप्लीट अब रेडी हो गई, अब ज़बरदस्त कंप्लीट बिल्ड तैयार है, सारे स्पेक्स लग गए हैं अंदर, आपके रैम्स लग गई हैं, कूलर लग गया, आपका कंप्लीट बिल्ड जो है वो तैयार है। और इसके अंदर मैं आपको कंपोनेंट्स बता देता हूँ जो जो यूज़ हुए हैं हमारे इसके अंदर। मेगामैक्स 700W ज़ालमन की न्यू PSU जी, उसके बाद आपका मिस्ट्रल थंडर का, उसके बाद हमारा इसमें जो है आपकी रैम है या कॉर्सर की वेंजेंस प्रो SL जी, ये 8x2 यूज़ हुई है, 16 GB टोटल है ये, 3600 MHz की रैम है, ज़बरदस्त। और उसके बाद हमारी ये M2 है क्लेव की जी, ठीक है, 256 GB ये न्यू है ये भी, ठीक हो गई जी। उसके बाद हमारा इसमें जो मेन इसके अंदर जो इसका प्रोसेसर जो है सबसे ज़रूरी i5 12600K 12 जनरेशन का न्यू जनरेशन जो है जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड है जी, उसमें ये i5 12600K जो है, ठीक हो गया, ठीक है, ये प्रोसेसर हमारा न्यू। उसके बाद हमारा Z690 Wi-Fi D4 ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक हो, ये देखने आप, ठीक है जी, ज़बरदस्त। ये वाईफाई वाला बोर्ड है जी, और इसके अंदर जो हमारा केस है ये डाक रख रहा हूँ ये फर्स्ट प्लेयर का DKD4 जो है ये न्यू केस है विद 4 जो है इसके अंदर RGB फैन हैं, 3 फ्रंट पे है और एक रेयर, ठीक हो गया जी, ठीक है जी। और ये हमारा ये कंप्लीट सिस्टम जो है वो रेडी। एक और बात, कोई भी किसी किस्म की बिल्ड अगर आपको, अभी ये जो बिल्ड है ये कंप्लीट बिल्ड जो है ये मुल्तान में डिलीवर होनी है, ठीक हो, और आपको भी पूरी कंट्री जो है कंट्री में जो आपको बिल्ड एक कॉल पे आप अपने स्पेक्स बताएं और विद इन 2 डेज जो है आपके पास इंशाल्लाह जो है वो बिल्ड जो है वो आपके डोरस्टेप पे होगी, और इंशाल्लाह जो है आपको किसी किस्म की आफ्टर सेल सर्विस में भी मसला है तो हम जो है हमारी शॉप से वो क्लेम होगी आप, ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, आपसे इजाज़त भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और सिस्टम को इंशाल्लाह बिल्ड वगैरह करेंगे। और अगर कोई भाई देख रहा है वीडियो को, अगर कोई सिस्टम बिल्ड करवाना चाहता है तो भाई के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा जी, तो एक दफ़ा आप अपनी लोकेशन दोबारा बता दें क्योंकि पिछली वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में दोबारा ठीक है। हमारी जो लोकेशन है ये शॉप नंबर M12 है जी जी, हमारी शॉप नेम R2A गेमर एक्स है जी जी, ये GFX में M12 है, अफी सेंटर के बिल्कुल जो है ये साथ प्लाजा है, यहाँ हमारी शॉप जो है वो है। और आपको आपको जो है किसी भी किस्म की कोई क्वेरी लेनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देंगे और सामने स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप कॉल करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।